अयोध्या में प्राकट्योत्सव के अवसर पर भगवान श्रीश्वरनाथ मंदिर में कलश पूजन कर रामलला के दरबार में सौंपा गया। इससे पूर्व श्रीश्वरनाथ मंदिर पर विभिन्न धार्मिक आयोजनों के बीच कलश की पूजा अर्चना की गई। श्री राम जन्मभूमि सेवा समिति के महामंत्री राम प्रसाद मिश्र ने बताया कि समिति का गठन सन 1950 में हुआ था, तब से लगातार समिति प्राकट्योत्सव मनाती आ रही है। इसी क्रम में प्रतिवर्ष समिति की तरफ से कलश स्थापना होती है। दरअसल श्री राम जन्मभूमि सेवा समिति के तत्वाधान में हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी 16 जनवरी को रामलला का 72वां प्राकट्योत्सव मनाया जाएगा। इसके लिए श्रीश्वरनाथ मंदिर में स्थापित कलश रामलला के अर्चक को पूजन के लिए सौंप दिया गया। प्रतिवर्ष श्रीश्वरनाथ मंदिर में रुद्राभिषेक आदि कार्यक्रम संपन्न होने के बाद श्री राम जन्मभूमि सेवा समिति कलश सौंपती है, जो पुजारी के माध्यम से जाता है। इस प्रकार रामलला का प्राकट्योत्सव जोर पकड़ता है। इस बार रामलला के प्राकट्योत्सव की शोभा यात्रा श्रीश्वरनाथ के सामने से निकलेगी। निर्माण राम जन्मभूमि का निर्माण जो है वो राजा विक्रमादित्य ने बनवाया था, शोध करके कि ये मंदिर जो है रामचंद्र जी का, यहाँ पर उसकी एक कथा है, वो लोग वहाँ से प्रयागराज से स्नान करके आते थे और काला हो गया वो जब शरीर, तो वो शरीर जब बिल्कुल स्वस्थ हो गया सरजू में नहा के, और उसके बाद में यहाँ पर राजा विक्रमादित्य ने यह मंदिर बनवाया था। 2077 साल हो गए, और ये बाद में इधर आतंकियों ने तोड़ा, और तोड़ने के बाद में इस पर वर्चस्व स्थापित करना चाहा, परंतु सुप्रीम कोर्ट के जजों ने बोल लिया है वो ऐतिहासिक आर्डर किया है कि जो हमारा रूम प्रसन्न है। आपको बता दें कि रामलला का चित्रपट और कलश वापस लाकर रामलला की शोभा यात्रा निकलती है। ये उत्सव श्रद्धा का केंद्र होता है। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी कलश स्थापना के साथ रामलला का प्राकट्योत्सव शुरू हुआ।